वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट चिकन कढ़ाई का मसाला। जो 1 किलो मसाला, ये जो रेसिपी है 1 किलो वाइट चिकन कढ़ाई की है। चलें बनाना शुरू करते हैं आपके साथ। वाइट चिकन कढ़ाई बनाने के लिए जिन मसालों की ज़रूरत होगी, उसमें 1 टीस्पून जो है ज़ीरा पाउडर है, 2.5 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून काले मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भर के कसूरी मेथी, 1 टीस्पून नमक सॉल्ट, 1 टीस्पून भर के साबुत धनिया है। धनिया को हम तवे पे भून कर इसको दरदरा सा कोट लेंगे। धनिया को हम बारीक पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। साबुत धनिया को पीसने के बाद पाउडर की शक्ल बना ली हमने। अब इन तमाम मसालों को हम मिक्स कर देंगे, जिसमें टू एंड हाफ टी स्पून जो है सफ़ेद मिर्चों का पाउडर है, 1 टी स्पून काले मिर्चों का पाउडर है, और 1 टी स्पून जो है कसूरी मेथी है, 1 टी स्पून फुल भर के धनिया पाउडर है, 1 टी स्पून भर के ज़ीरा पाउडर है, और नमक जो है 1 टी स्पून इसमें जाएगा। इन तमाम मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। ये फार्मूला जो है 1 किलो वाइट चिकन कढ़ाई का फार्मूला है। आप बना कर रख लें, 6 महीने तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप मिक्स करते हैं सारे मसालों को। एक किलो वाइट चिकन कढ़ाई के मसाले की रेसिपी है। इसको मिक्स करने के बाद आप इसके एयर टाइट जार में फ्रिज के अंदर रख लें, तरह से मिक्स कर दें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, व्हाइट चिकन कढ़ाई मसाले की रेसिपी के साथ।